సెక్రటరీ భవనాలతో పాటు అక్కడ అమ్మవారి దేవాలయం కూడా దుర్గామాత దేవాలయం కూడా మరి సెక్రటరీలో ఉన్న గుడి కూడా కూలగొట్టడం జరిగింది ఆ గుడి అమ్మవారికి దేవాలయము మరి కూలగొట్టేటప్పుడు టిఆర్ఎస్ లో ఉన్న మంత్రులు గాని టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు గాని ఎక్కడ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి సార్ గుడి గుడి కూలగొట్టకండి అని చెప్పే ధైర్యం కూడా ఒక టిఆర్ఎస్ మంత్రికి లేదు ఒక టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఒక టిఆర్ఎస్ ఎంపీ ఒక టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేస్ ఎవరికి కూడా ధైర్యం లేదు చెప్పలేకపోయారు ठीक है अट्लागे वहीं भी वहा बाजुक मस्जिद भी है या मंदिर तोड़ दिए वह मस्जिद भी तोड़ दिए। मंदिर तोड़ने में हमारे डीआरएस के जो स्टेट के मिनिस्टर्स है स्टेट के एमएलए से स्टेट का एमपी टीआरएस एमपी लोग हैं टीआरएस के लीडर है माइनॉरिटीज हिंदूस कोई भी जो सेक्रेटरी में या मंदिर या मस्जिद तोड़ने में जो स्टेट गवर्नमेंट केसीआर साहब जो हुक्म जारी करे हैं उसको रोकने में कोई भी काम नहीं करे। महमूद अली साहब होम मिनिस्टर साहब आप एक माइनॉरिटी है लीडर है माइनॉरिटी होम मिनिस्टर है आप मस्जिद तोड़ रहे वो मस्जिद तोड़ने में रोकने में आप कहीं को केसीआर साहब से बात नहीं करे हैं आप एक मुसलमान या सेक्रेटरेट में ठीक है बिल्डिंग का मार तोड़ दे रहे आप नहीं रोक सके मगर खुद का आपका मस्जिद तोड़ रहे माइनॉरिटी का जो वहां नमाज पढ़ते हैं वह मस्जिद तो तोड़ दे रहे वहां मस्जिद रोकने में तोड़ने मस्जिद तो जो तोड़ रहे हैं उसको रोकने में आप केसीआर साहब से कहीं को बात नहीं कर सक रहे कहीं को नहीं कर सके। वैसे हमारे जो मंदिर दुर्गा माता का टेम्पल है वो भी तोड़ दिए। हैदराबाद जो अच्छे अच्छे मिनिस्टर पहलवाना है फिर बड़े बड़े नेता है डीआरएस के हमारे वो लोग भी मंदिर नहीं तोड़ने में नहीं रोक सके ये क्या हो रहा अकबर साहब आप क्या कर रहे असद साहब और अकबर साहब एमआईएम के बड़े नेता है अब हैदराबाद के आप तो सेक्रेटरीट में मस्जिद जो तोड़ रहे हैं केसीआर साहब आप क्या बोल रहे हैं ठीक है केसीआर साहब नया मस्जिद बन के देंगे बोल के आप आवाज दे रहे हैं। अगर आज केसीआर साहब मस्जिद तोड़े तो आप बोले असद साहब क्या बोले आप मस्जिद पुराना मस्जिद तोड़ रहे हैं नया मस्जिद बन के देंगे बोल के केसीआर साहब बोल रहे हैं बोल के आप उनका सपोर्ट में बात कर रहे हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं या असद साहब अकबर साहब में अगर हमारा कांग्रेस का हुकूमत में वही सेक्रेटरीट में अगर हम मस्जिद तोड़े तो या मंदिर मस्जिद तोड़े तो आप क्या बोलते थे जब कांग्रेस पार्टी मस्जिद तोड़ रहे हैं आप इसको पॉलिटिकल इश्यू बना के देते थे ये सही है नहीं। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं असद साहब जो हाईवे किधर से चंदापुर गंगाराम मियापुर से पड़ाईचेरू संगारेड्डी जो नेशनल हाईवे थे फोर लेन का जब रुद्रारम में वो रोड के लिए जान बचाने के पब्लिक का जान बचाने में रोड को रोड बनने के लिए वहां मस्जिद तो दीवार निकालने को आए तो असद साहब आके उसको रोक दिए ठीक है हम उसको तोड़े ले हमारे हुकूमत में हम बाजू से रोड डाल दिए हैं। अगर रुद्रारम में असद साहब आप रुद्रारम में मस्जिद का जो दीवार तोड़ने में आप रोकने के आए हम कांग्रेस हुकूमत में हम रोके मगर सेक्रेटरीट में जो मस्जिद का दीवार नहीं तोड़ रहे मस्जिद को तोड़ दिए अगर मस्जिद को या केसीआर साहब का हुकूमत तोड़ रहे हैं असद साहब आप कहीं को आवाज नहीं उठा है कि केसीआर साहब मस्जिद मत तोड़ो अच्छा नहीं होता बोलकर आप कहीं को नहीं बोले हैं कहीं को आप नहीं पूछे कहीं को मस्जिद तोड़ने में आप कहीं को नहीं रोके
हम ये कांग्रेस पार्टी का मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं MIM के असद साहब को, मैं वही KCR साहब तोड़े तो अच्छा नया मस्जिद दे दो बोल के KCR साहब को आप वो सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वही कांग्रेस तोड़े तो अच्छा कांग्रेस पार्टी मुसलमान का खिलाफ है, ये मस्जिद तोड़ रहे हैं मुसलमान भाइयों कांग्रेस को खिलाफ करो बोलते, ये क्या खान ये आपका क्या सिस्टम है आपका? KCR के लिए एक तरीका, कांग्रेस पार्टी के लिए एक तरीका। अगर आप बोलते हैं 70 साल में ऐसा बेहतरीन CM आज तक दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुए। असद साहब अकबर साहब मैं एक बात बोल रहा हूं, एक जमाने में राजशेखर साहब भी यही बात बोली, उससे पहले चंद्राम नायडू साहब भी ऐसी बात बोली। चंद्राम नायडू साहब को आप असेंबली में क्या बोले, ऐसा टेक्नोलॉजिकल ऐसा टेक्नोलॉजी लाने में सॉफ्टवेयर IT हैदराबाद डेवलपमेंट होने में, या उस दिन चंद्राम नायडू साहब को तारीफ करे राजशेखर साहब को तारीफ करे। आज का दिन में फिर आप जो गवर्नमेंट रहता उनको तारीफ करना आपका काम है शाम, किसी भी पार्टी रह दो किसी भी गवर्नमेंट रह दो उनको तारीफ करना MIM का पॉलिसी है, ठीक है वो क्या तो भी कर रहा आपका पार्टी है, मगर सेक्रेटरेट में मस्जिद तोड़ रहे हैं उसको रोकने में मस्जिद तोड़ने रोकने में आप कहीं KCR साहब को जाके उसको कहीं को नहीं रोके, उसको जवाब माइनॉरिटी मुसलमान भाइयों का जवाब देने का देना ही पड़ता। यहां का वो मिनिस्टर माइनॉरिटी है कि TRS को MIM सपोर्ट दे रही है मगर मस्जिद तोड़ दे रही है, ये क्या हो रहा ये सब? मैं इसलिए पहले से बोल रहा हूं TRS पार्टी BJP MIM पार्टी तीनों अंदर अंदर बात कर लेके बाहर लड़ रहे खाली, ये रियलिटी है, ये तो मैं बोलने का बात है। हमारे मंदिर तोड़ने में भी मंदिर तोड़ने मंदिर सेक्रेटरी में मंदिर तोड़ रहे BJP वाले हिंदू पार्टी बोलते हैं वो लोग भी आके बात नहीं करे, मुसलमानों के लिए हम पूरा वो करेंगे ये करेंगे मस्जिद को छीने नहीं देंगे बोलते, मस्जिद को नमाज का मस्जिद को तोड़े तो मुसलमान के तरफ ले ये MIM पार्टी नहीं बात कर रही है। अब KCR साहब को आप लोग पीछे से BJP सामने से MIM पार्टी KCR गवर्नमेंट को सपोर्ट देके ये मंदिर को मस्जिद को तोड़ के ये पूरा सपोर्ट दे रहे, ये तो सिर्फ आप लोग बचने के लिए आप लोग जिंदगी गुजारने के लिए मजहब के नाम पे आप लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये अल्लाह ने आपको पसंद नहीं करता ऐसे कामों को। BJP बोलो मेरे को BJP राष्ट्र अध्यक्ष BJP पार्टी संबंधी हिंदू पार्टी मेरे को सेक्रेटरियट दुर्गा माता गुड़ पूल आपलेर BJP प्रश्न MIM पार्टी से ये सवाल है कि मस्जिद सेक्रेटरी में मस्जिद तोड़े तो आप पैक नहीं रोके MIM साहब MIM पार्टी के असद साहब, मैं होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को भी ये सवाल पूछ रहा हूं, आप भी एक माइनॉरिटी का होम मिनिस्टर माइनॉरिटी ना लीडर है गवर्नमेंट TRS गवर्नमेंट का होम मिनिस्टर है आप पैक नहीं रोके, खाली BJP को बदनाम करना ये तीन पार्टियों फायदा लेना ये काम चल रहा है। जो भी हुआ मैं ये कि KCR साहब का दरखास्त कर रहा हूं KCR साहब आप या मंदिर या मस्जिद तोड़ने में काम जैसा आप तोड़ने में जितना आप काम कर रहे हैं वैसा कोरोना में पॉजिटिव आगे जो मर रहे हैं जो वो लोग तकलीफ उठा रहे वो लोग को बचाने में कुछ काम नहीं चल रहा, मंदिर सेक्रेटरियट में मंदिर या मस्जिद तोड़ने में जितना वक्त आप दे रहे हैं वही कोरोना पॉजिटिव आगे जो तेलंगाना पब्लिक जो मर रहे हैं जो तकलीफ उठा रहे वो लोगों को बचाने में आप काम नहीं कर रहे, ये भगवान ही देख लेगा, ये अल्लाह ही देख लेगा, ये ऊपर वाला ही देख लेगा, आपको जो भी है वक्त डिसाइड करता, वक्त से कोई बड़ा तीसमार का नहीं है, वक्त डिसाइड करता। हमारा सवाल तो KCR साहब BJP के
लोगा बीजेपी लीडर एमआईएम के अफसर साहब ध्यान में रख लेंगे, आप इसका जवाब दिया बोल के मैं मीडिया में मीडिया के सामने मैं बात कर रहा हूँ। थैंक यू।